नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न पदों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। आरपीएफ परीक्षा अब 2 से 12 दिसंबर तक होगी, जबकि टेक्नीशियन परीक्षा 18 से 29 दिसंबर को होगी। एएलपी परीक्षा 25 से 29 दिसंबर तक होगी। विस्तृत जानकारी के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पुणे में भारत को 113 रनों से हरा कर इतिहास रचा। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। यह भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज में 12 साल बाद पहली हार है, जो 2012 में इंग्लैंड के हाथों हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम बताया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बैंक की मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खोने का कारण बन सकता है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। सरकारें भी इसके नकारात्मक जोखिमों के प्रति जागरूक हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव के लिए जनता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका संसद में प्रतिनिधित्व करना सम्मान होगा और उन्होंने वायनाड की जनता से समर्थन मांगा। मतदान 13 नवंबर को होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जो अब 53% पर है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अन्य भत्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत नई प्रणाली के अनुसार डीए बढ़ने पर भत्ते अपने आप नहीं बढ़ते। धनतेरस पर किफायती सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, यहाँ 3 बेहतरीन विकल्प हैं। मारुति सुजुकी अल्टो के 10 सीएनजी माइलेज 33.85 किलोमीटर पर केजी, कीमत 5,96,000। दूसरा मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी माइलेज 34.43 किलोमीटर पर केजी, कीमत 6.73 लाख रुपए। और तीसरा मारुति एस्प्रेसो सीएनजी माइलेज 32.73 किलोमीटर पर केजी, कीमत 5,91,000 रुपए है। ये कार्य बजट के अनुसार और दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए पिन नंबर छिपाकर डाले, कार्ड स्लॉट की जांच करें और एटीएम कैमरों पर ध्यान दें। धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और सबूत प्रदान करें। सावधानी बरतने से आप अपने पैसे और जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार बिना तेज गेंदबाजों के गेंदबाजी किए जीत हासिल की, जब उसने रावलपिंडी में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। साजिद खान और नुमान अली ने 19 विकेट लिए। शाहिद अफरीदी ने इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त की। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार मामले में डीएसपी गुरशेर सिंह संधु सहित 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये अधिकारी 3 अप्रैल 2022 को बिश्नोई का इंटरव्यू कराने के दोषी पाए गए थे, जिससे सरकार और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा। महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रमोशनल इवेंट में कहा कि वे क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पेशेवर खेल में आनंद लेना मुश्किल होता है। धोनी ने अगले कुछ सालों तक फिट रहने और आईपीएल खेलने की योजना बनाने की बात की, साथ ही भावनाओं को नियंत्रित रखने पर जोर दिया। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए लो लाइट मोड फीचर लॉन्च किया है, जो कम रोशनी में वीडियो कॉलिंग की गुणवत्ता में सुधार करेगा। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के लिए अन्य नए फीचर्स भी जोड़े हैं। निर्देशक राम रेड्डी की फिल्म द फेवल को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में विशेष जूरी पुरस्कार मिला। मनोज बाजपेयी की अभिनय क्षमता की सराहना की गई। फिल्म की कहानी ने उन्हें एक नए अनुभव से गुजरने का अवसर दिया। टीम ने महामारी के बावजूद शानदार काम किया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने राघव चड्ढा और परिंदी चोपड़ा के घर जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए देशभर में 1,00,000 गौ ध्वज स्थापित करने का ऐलान किया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। शंकराचार्य ने खान पान में बदलाव की बात कही। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के रूस दौरे से संबंधित एक गलत वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि पीएम मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन की ग्रुप फोटो के लिए नहीं बुलाया गया। फैक्ट चेक में पुष्टि की है कि यह वीडियो 24 अक्टूबर का है, जबकि मोदी एक दिन पहले लौट चुके थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महेंद्र सिंह धोनी को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा के दौरान संभावित दंगों की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से स्थिति को सनसनीखेज न बनाने की भी अपील की।
भारतीय सेना और पुलिस ने बारामूला और गांधरबल में हालिया आतंकी हमलों के आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। 24 अक्टूबर बारामूला में आतंकवादी हमले में 2 सैनिक और 2 नागरिक मारे गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा उपायों को कड़ा करने का निर्देश दिया। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज महंगा करने से BSNL को फायदा हुआ है, जिसने पिछले 2 महीनों में 54 लाख नए ग्राहक जोड़े। इस दौरान प्राइवेट कंपनियों ने 1,19,000 ग्राहक गवाए। जुलाई में रिचार्ज बढ़ने के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग 15% बढ़ गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन समझौते का असर दिखने लगा है, जहां दोनों देशों के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। समझौता डेमचोक और डेपसांग पर लागू है और 28 से 29 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। यह सैनिकों की वापसी के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत को तैयार कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनरेगा में आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे 85 लाख श्रमिकों के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने सरकार से इस नीति को रोकने और मनरेगा के बजट तथा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि बिहार के 18 जिलों में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है, AQI 237 पर है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय समिति को जानकारी दी। इजराइल में लगभग 30,000 भारतीय नागरिकों की मौजूदगी का अनुमान है और भारत शांति के लिए बातचीत का समर्थन करता है। तिरुवोट्टियूर स्थित एक स्कूल में गैस लीक से 30 से अधिक छात्रों और कुछ शिक्षकों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। NDRF ने स्थिति का आकलन किया, लेकिन रिसाव का स्रोत स्पष्ट नहीं है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। वेनम द लास्ट डांस के साथ केली मार्शल की फ्रेंचाइजी का समापन हो गया। पहले दिन इंग्लिश में फिल्म ने 2.25 करोड़ और हिंदी में 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन इंग्लिश ने 3 करोड़ और हिंदी ने 3.25 करोड़ कमाया, जबकि तमिल ने 60 लाख का कारोबार किया। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया है। इसके लिए भारत सरकार से सहयोग लिया गया। विशेष विमान से 22 अक्टूबर को 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को 2024 में वापस भेजा गया। गृह सुरक्षा विभाग ने कानूनी आधार के बिना रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की पुष्टि की। सुनील शेट्टी और उनके बेटे आहान शेट्टी ने मुंबई के खान में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कुल कीमत 8.01 करोड़ रुपए है। यह संपत्ति 12,000 फीट क्षेत्र में फैली है और लेन देन अक्टूबर 2024 में 40.08 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के साथ पूरा हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है, विशेषकर मौसमी हवाओं के प्रभाव को लेकर। उन्होंने केंद्र और राज्य अधिकारियों से सर्दियों से पहले प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। दिवाली पर पटाखों के उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी बताई। लंदन में भारतीय समुदाय 27 अक्टूबर को ट्राफलगर स्क्वायर में दिवाली समारोह की तैयारी कर रहे हैं, जिसका समर्थन मेयर सादिक खान कर रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर कुछ आलोचना भी हो रही है, जिसमें सोशल मीडिया पर गो बैक टू इंडिया जैसी टिप्पणियां शामिल हैं। भारत में सोने के भाव दिवाली और धनतेरस के नज़दीक आने पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 26 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना लगभग 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है, जबकि 22 कैरेट सोना 23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। चांदी की कीमत में गिरावट आई है, जहां 97,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिवाली से पहले सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए। यह कदम छोटे उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा। योजना के तहत सफलतापूर्वक लोन चुका चुके उद्यमियों को यह राशि उपलब्ध होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, छोटू राजा, दीपक कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, रविशंकर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने आखिरी बार पौधा कब लगाया था। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।